डियर स्टूडेंट्स, दिस इज महेंद्र पांडे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के सी आई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि हम लेज़र को कैसे क्रिएट करते हैं। लेज़र में लेज़र क्रिएशन विंडो को हमने पूरा जाना, लेज़र को डिस्प्ले करके भी देखा आप लोगों ने। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा सेशन होगा वो लेज़र को हम कैसे अल्टर करते हैं, लेज़र को हम बने हुए लेज़र को डिलीट कैसे करते हैं तथा लेज़र को हम डिस्प्ले भी करके दिखाएंगे, उसके बारे में आपको समझाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो लेज़र टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैली का। तो लेज़र को हम छोटे छोटे पार्ट में करके पढ़ाएंगे, जिससे आप लोगों को लेज़र में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कन्फ्यूज़न न रह जाए। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो सेशन है मेरा लेज़र अल्ट्रेशन है, लेज़र को डिलीट करना तो लेज़र को डिस्प्ले करना। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको कंप्लीट क्लास का नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें तथा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैली की क्लास को अटेंड कर पाएँ। तो चलिए ले चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और सारा कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट्स, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि आज का जो मेरा सेशन है वो लेज़र अल्ट्रेशन, लेज़र डिलीट करना, लेज़र को डिस्प्ले करना। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम टैली के मेन मेन्यू पर हैं, मेन गेट पे आप टैली के मेन मेन्यू पर हैं। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी इन डिटेल लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मास्टर, मास्टर में डियर स्टूडेंट्स हम अकाउंट्स में आ जाते हैं। अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स इन्फो पर एंटर करेंगे। क्योंकि आज हमारा आज का सेशन लेज़र अल्ट्रेशन है तो हम लेज़र पे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं जो रेड कलर का कैरेक्टर आ जाता है वो उसका शॉर्टकट है, हम उस पर क्लिक करें। आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, लेज़र में एक सिंगल लेज़र, नीचे मल्टीपल लेज़र दिख रहा है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्प्ले करके देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, डिस्प्ले में आप आएंगे, आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ लेज़र्स, लेज़र लिस्ट खोल करके आए, जो बने हुए लेज़र्स इसमें अवेलेबल हैं वो आ रहे हैं। जैसे कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का दो लेज़र बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी के बनते ही बन जाता है, और कुछ लेज़र्स हमने कल क्रिएट करके रखे हैं। इसमें से आप लोगों ने लास्ट क्लास में जो देखा, जिसमें हमने लेज़र क्रिएशन बताया था, उसमें हमने कंपनी क्रिएट करने के लिए जो लेज़र की ज़रूरत होती है कुछ लेज़र्स हमने क्रिएट करके रखे हैं, वही इसमें शो कर रहे हैं। जैसे बिल्डिंग है, कैपिटल है, फर्नीचर है और मशीनरी है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ से सिंगल में हम लेज़र को जब डिस्प्ले करते हैं तो केवल लेज़र शो करता है। डियर स्टूडेंट्स, बट अगर हम मल्टीपल में जा करके लेज़र को डिस्प्ले करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे ग्रुप का चुनाव करने के लिए पूछता है। अगर हम पर्टिकुलर ग्रुप में जा करके उसके अंडर हेड को सेलेक्ट करते हैं, लेज़र को, पर्टिकुलर लेज़र को ग्रुप वाइज हम देखना चाहते हैं तो हम ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं, अन्यथा हम सारे लेज़र्स को इकट्ठा देखना चाहते हैं तो माल आइटम यहाँ चुन लेते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेज़र शो कर रहा है इधर। डियर स्टूडेंट्स, और इधर उसका अंडर ग्रुप, जो उसका अंडर हेड है वो शो कर रहा है। तो मल्टीपल में हम कंप्लीट डिटेल लेज़र नेम और उसका अंडर ग्रुप दोनों देख सकते हैं, बट सिंगल में हम केवल लेज़र नेम को देख पाते हैं। अब हम चलते हैं अपने अल्टर विंडो पर, जहाँ से हमें अपने बने हुए लेज़र में सुधार करना है। डियर स्टूडेंट्स, हम अल्टर पर क्लिक करते हैं, हम दोनों में आपको अल्टर करके दिखाएंगे, सिंगल लेज़र में भी और मल्टीपल लेज़र में, दोनों तरीके से हम अल्टर कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मेरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हम कोई सुधार करना चाहते हैं तो हम बिल्डिंग को चुन लेते हैं, या हम बिल्डिंग में मान लीजिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई दूसरा कुछ हम बनाना चाहते हैं, मान लीजिए बिल्डिंग की जगह हम लैंड बनाना चाहते हैं, लैंड का हमने लेज़र बना लिया, लैंड भूमि जो है हम व्यापार के लिए जो भूमि लेते हैं उसके लिए हमने फिक्स्ड एसेट्स, उसका भी चूँकि वो भी एक अचल संपत्ति होगी तो उसे भी मैंने फिक्स्ड एसेट्स में चुना और इस तरह से हमने उसको एक्सेप्ट करा लिया। कहने का मतलब कोई भी एग्जांपल, मैं एज एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि हम अल्टर कैसे करते हैं, सुधार हम कैसे करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं हम पूरा नेम बदलें, अगर हमारे उसमें कोई भी सेटिंग में कोई डिस्टर्बेंस है या हमारे लेज़र में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो हम वहाँ से जा करके अल्टर से जा करके उसका सुधार हम कर लेते हैं। ऐसे हम मल्टीपल से जा करके अल्टर करेंगे तो अल्टर करने के लिए हम चाहे ऑल आइटम लें, चाहे पर्टिकुलर ग्रुप सेलेक्ट करें, हम जैसे फिक्स्ड एसेट्स में जा करके देखना चाहते हैं उसमें हमें कुछ सुधार करना है, लेजर्स को चेंज करना है, जैसे लैंड है तो लैंड को हम फिर से बिल्डिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप देख पा रहे हैं
हमने इसको बिल्डिंग अकाउंट कर दिया और एंटर कर दिया। इस तरह से मेरा लेज़र चेंज हो गया, कहने का मतलब लेज़र अल्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको हम एक्सेप्ट करा के यहाँ से सेव कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लेज़र को अल्टर कर सकते हैं, चाहे हमें सिंगल में जा करके करना हो या फिर हम मल्टीपल में जा करके करना हो हमें, तो हम दोनों तरीके से लेज़र को अल्टर कर लेते हैं। तो आपने देखा डिस्प्ले कैसे कर लेते हैं, लेज़र में सुधार हम कैसे करते हैं, अल्टर कैसे कर लेते हैं। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं लेज़र को हम डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करने के लिए हम सिंगल लेज़र में अल्टर पर ही जाएंगे। अल्टर से हम सुधार भी करते हैं और अल्टर से हम लेज़र को डिलीट भी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं आप, यहाँ से हमें, जैसे मान लीजिए हम फर्नीचर नाम का लेज़र जो है उसे हम डिलीट करना चाहते हैं, तो अल्टर में फर्नीचर को हमने सेलेक्ट किया और हम एंटर करके आ गए। आप देख पा रहे हैं लेज़र अल्ट्रेशन विंडो पर हमें, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर हमें अल्ट के साथ डी प्रेस करना। डियर स्टूडेंट्स, अल्ट के साथ डी हम प्रेस करते हैं तो हमारा लेज़र डिलीट हो जाएगा। एक बार आपसे वेरीफाई करने के लिए पूछता है, जैसे आप डिलीट करना चाहते हैं यस और नो, ऐसा तो नहीं गलती से अल्ट डी दब गया आपसे, तो आप बैक करके जा सकते हो। लेकिन अगर आप डिलीट करना चाह रहे हो तो आप यहां से एक्सेप्ट कर लेंगे और आपका ये लेज़र डिलीट हो गया। आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ लेज़र में से फर्नीचर गायब हो गया। डिस्ट्रेंट, तो इस तरह से हम लेज़र को डिलीट भी कर सकते हैं। एक चीज़ हम आपको और बताते हैं डिस्ट्रेंट, जैसे हम मान लीजिए लेज़र क्रिएशन विंडो पर हैं, लेज़र क्रिएशन से हमें डायरेक्टली ग्रुप क्रिएशन या बाउचर क्रिएशन पे जाना है, तो हमें कैसे हम जाते हैं, तो यहीं से हम एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं और हम लेज़र क्रिएशन विंडो में ही ग्रुप क्रिएशन और बाउचर क्रिएशन को टगल कर लेते हैं। जैसे हमें ग्रुप क्रिएशन के लिए जाना है तो कंट्रोल के साथ अगर हम जी प्रेस कर देते हैं तो हम ग्रुप क्रिएशन विंडो पर पहुँच जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, और हम फिर से लेज़र पे लौट के आना चाहते हैं तो कंट्रोल एल कर देंगे, लेज़र क्रिएशन पर आ जाएंगे। यहीं से हम बाउचर क्रिएशन पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ वी कर देंगे तो हम बाउचर क्रिएशन पर आ जाएंगे। फिर हम बैक आना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एल कर देंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ हम टॉगल करते हैं। टॉगल करने का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, चूँकि हम अकाउंट्स इन्फो पर काम कर रहे हैं और अकाउंट्स इन्फो से हम चाहे ग्रुप पर काम कर रहे हों, लेज़र पर काम कर रहे हों या बाउचर टाइप पर, कहीं भी हम आ जा सकते हैं शॉर्टकट्स के माध्यम से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों ने लेज़र को अल्टर करना सीखा, लेज़र को डिलीट करना सीखा, लेज़र को हम डिस्प्ले कैसे करते हैं सिंगल में और मल्टीपल में। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम आगे आपको और लेज़र्स क्रिएट करना बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।